जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है एक और औषधि पौधे से अवगत करा रहा हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में करौंदा कहते हैं, अंग्रेजी में कैनबरी भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम वैक्सीनियम मैक्रोकारन है। यह एक दोस्तों झाड़ी नुमा पौधा होता है। ये देखिए, इसके पुष्प प्यारे प्यारे और गोल गोल अंडाकार अवस्था में फल लगे हुए हैं। इसकी पत्तियां देख लीजिए, फल सभी अधिकतर लोग इसको जानते होंगे। या दोस्तों झाड़ी नुमा पौधा होता है, इसकी झाड़ी जो है 2 से 3 मीटर तक ऊंची होती है। या खेत किनारों पर या इसके बागों में भी लगाया जाता है, इसकी खेती भी की जाती है। और दोस्तों यह जो है विटामिन सी से भरपूर फल होता है इसका। जैसे सभी खट्टे जो आहार होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। ये सब सुपर फूड के उसमें आते हैं। इसके अलावा अंगूर पालक में भी होती है विटामिन सी की मात्रा, लेकिन ये करौंदे में भी विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। और विटामिन सी इस समय कोरोना में विटामिन सी का बहुत ही आवश्यकता और डिमांड रही है, क्योंकि ये प्राकृतिक विटामिन सी होता है इन फलों में या इन जो भी सब्जियां होती हैं, जो प्राकृतिक विटामिन सी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। क्योंकि इसका जो है इसमें रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने के काफ़ी सारे गुण होते हैं। इसके जो है मूत्राशय के संक्रमण का जो खतरा होता है वो भी जो है इसकी जो उपयोग से ख़त्म होता है। कुछ प्रकार कैंसरों में भी इसकी मदद ली जाती है। रोग प्रतिरोग क्षमता तो होती है, रक्तचाप की कमी को भी यह दूर करता है। इसके अलावा यह हृदय रोगों से हमें बचाता है। इसमें मौजूद जो है एंटीऑक्सीडेंट तत्व तो जो है फेफड़ों की सफाई करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए अस्थमा रोग में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। हमने बचपन में पढ़ा है कि एक रोग होता है स्कर्वी, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी तो करौंदा में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह स्कर्वी रोग में बहुत लाभ करता है। इसमें और स्कर्वी रोग के कारण जो जख्म हो जाते हैं उनको भरने में भी यह बहुत मदद करता है। हमारे दिमाग में अगर स्ट्रेस है, तनाव है, तो इसका उपयोग जो है तनाव को कम करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अन्य उपयोग हैं, लेकिन दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इस समय जो है ना आपको संतरा का सीज़न है, ना आंवले का सीज़न है, जो ताज़े रूप में अवेलेबल हो जाए। लेकिन इस समय हमारा जो है ये भी करौंदा भी एक प्रकार का फल होता है, इसको कच्ची अवस्था में भी खाया जा सकता है, नमक के साथ में या किसी एक दो फल खाएं तो इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। तो इसको जैसे नेट पर जाएंगे, हम डालेंगे करौंदे की सब्ज़ी, तो विभिन्न प्रकार की लोग जो हैं वो करौंदे की सब्ज़ी, करौंदे का अचार बनाने की विधियाँ बताया करते हैं। अचार के रूप में आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, अचार के रूप में सब्ज़ी बना के खाएँ, ताज़ा खाएँ, चाहे किसी प्रकार से खाएँ, परंतु खाएँ अवश्य, क्योंकि विटामिन सी की कमी को हमारे या भरपूर मात्रा में पूरा करेगा और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा के रखेगा। हो सके तो या वो छोटा सा पौधा होता है, इसको अपने घर में भी लगा सकते हैं, आंगन में, खेत में, कहीं पर भी लगाएँ, एक आध पौधा तो लगाना ही चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों इस पौधे का उपयोग कर अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।